पिछले वीडियो में आपने दो रूल देखे हैं, अभी तक अब मैंने दो वीडियो अपलोड किया। आज एक नए रूल के साथ आए। आज से टेंस पे आधारित जो भी हैं सारे के सारे स्ट्रक्चर में, पहला स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो रूल है, जो स्ट्रक्चर है, उस पर हम आपको आज कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ और आप ये देखिए। वह लिखता है, वह लिखती है, तुम पढ़ते हैं। यहाँ पे मिस्टेक है, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ाता हूँ। तो ये आप चार स्ट्रक्चर आप देखते हैं, इसमें से आप कैसे जानेंगे कि यह किस स्ट्रक्चर पर आधारित है और हम इसे कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि देखते हैं हम इसके अंत में क्या है, ता है, इसके अंत में ती है, इसके अंत में ते हो, इसके अंत में ता हूँ। यानी आप देख रहे हैं सेंटेंस के अंत में ता, ती, ते लगा हुआ है और है, यानी ये प्रेजेंट को दर्शाता है। तो ता, ती, ते से अगर सेंटेंस शुरू हो, मतलब वर्ब के लास्ट में ता, ती, ते हैं, तो आप इसके लिए कैसे बनाएंगे? तो यह आपका सब्जेक्ट होता है, वह, तुम, मैं। इसी तरह को वे, राम, ये सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। इसके लिए आप विशेषतः, हम टेंस का जो ग्रामर रूल मैं अपलोड करूंगा उसमें आपको और डिटेल से बताऊंगा, यहाँ पे आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या हो सकता है? तो सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है ही, सी, दे, यू और कोई नाम, किसी का नाम हो सकता है, राम, सीता, कुछ भी नाम हो सकता है। ये आपके सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश में। ये सब्जेक्ट होता है ही का, वह, सी का, वह, ही लड़का के लिए वह होता है, सी लड़की के लिए वह होता है, दे मतलब वे, यू मतलब तुम, आई सब्जेक्ट होता है एक, आई मतलब मैं। उसके बाद आप वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब लिखना, खाना, पीना, जाना, हिंदी में जिसके अंत में ना होता है, खाना, पीना, लिखना, जाना, घूमना, ये सब क्या है? वर्ब है, उसी को लिखना है यहाँ पे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्ट्रक्चर ये रहा। तो वह, वह का क्या हो जाता है? ही, हमने लिखा ही, लिखता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही रीड, ही राइट, लिखना का राइट, ही राइट, वह लिखती है, यहाँ पे वह लड़की है, लिखती, लड़की के लिए वह का प्रयोग है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सी, सी राइट। तुम पढ़ते हो, यू रीड, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। यहाँ पे दो सेंटेंस इसमें गलत लिखे हैं। अब इस चीज को आपको सही कैसे करते हैं, इस चीज को समझिए। जब ही, सी, नेम लगा हुआ रहेगा तब उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या क्या बोले हमने? ही, सी, नेम, इसके साथ, ही, सी, नेम के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब क्या होता है? वर्ब जब वर्ब सीधे रूप में रहता है, टू रीड, यानी यहाँ रीड जो है ये अभी प्लुरल फॉर्म में है, प्लुरल फॉर्म में है, लेकिन जब इसके अंत में एस या ई एस लगा देते हैं,
एस या ई एस लगा देते हैं, ई एस या एस लगाते हैं, तो ये डिपेंड करता है किस में एस लगेगा किस में एस लगेगा। रीड में एस लगता है, तो जिसके अंत में एस या एस लगा देते हैं जिस वर्ब के अंत में, वह सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पे ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए इसके साथ राइट्स यहाँ पे एस हो जाएगा, सी राइट, सी राइट्स हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, ये बात फिर से समझने की कोशिश की, वह लिखता है जिसके अंत में ता है, ती है, ते है। अगर इस तरह का सेंटेंस आपको मिलता है तो आप इसके लिए इस रूल को फॉलो कर सकते हैं, यही स्ट्रक्चर होगा जो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे सेंटेंस को बनाने में मदद करेगी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सिंपल है, इजी है, वह लिखता है, वह सब्जेक्ट है, तो ही लिखता है राइट। यहाँ पे यह सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ एस का प्रयोग किया गया है, ही राइट्स, वह लिखती है, सी राइट्स, तुम पढ़ते हो, यू रीड, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, तुम प्लुरल होता है इंग्लिश में, इसलिए इसके साथ रीड का प्रयोग किए, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब। इस बात को आप याद रखिए, वीडियो को बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। पिछले के दो वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप उन्हें जाके देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसके लिंक दे देंगे। और हाँ, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। एक स्ट्रक्चर आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाने में मदद करेगी, इसी तरह से हम रेगुलर बताएंगे, डेली वाइज आपके लिए एक वीडियो लाता रहूँगा। यहाँ पे देखिए, आपने चार ही सेंटेंस देखे हैं, इसके स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, लेकिन इससे आप बहुत सारे बना सकते। मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ का क्या हो जाएगा, जैसे कोई बोलेगा मैं खाता हूँ, तो इसका क्या बन जाएगा, मैं का क्या हो जाता है, आई। खाता खाना से बना है, तो खाना क्या होता है, इट। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट तो लिख दिया हमने, उसके बाद वर्ब इट, सिंपल है। यानी इसी तरह से आप ढेर सारे, ये बिगनर के लिए हैं, ढेर सारे स्ट्रक्चर को आप एक स्ट्रक्चर से ढेर सारे सेंटेंस को लिख सकते हैं, बना सकते हैं, और बोलने की कोशिश कीजिए, तभी आपकी स्पोकन सही रहेगी। थैंक यू, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।